Hi guys, this is Ankara from Junior Study Channel. Don't try to mug up, build up rational and logical study. आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें। मैं बात करने वाला हूँ आज बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के जो MCQ डिस्कस कर रहे हैं उस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं जी। और MCQ डिस्कशन में मैं आप सबको बता देना चाहूंगा कि MCQ बहुत ही ईमानदारी के साथ लगेगी जी। MCQ ही आपका एक सहारा है जो आपकी नैया पार लगा सकता है। और ऐसे भी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का आपको जो पोर्शन है उसका वेटेज बढ़ चुका है और इसमें ही ज्यादातर क्या है आपका रिजल्ट मायने रखता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग से सारे लड़के बनाएंगे। जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्रॉइंग को जो कमांड कर लिया उसको क्या हो जाएगा जी, रिजल्ट आएगा। मैं बात बताना चाहूंगा कि मैंने इंजीनियरिंग ड्रॉइंग का जो वीडियो है मैंने अपलोड कर दिया है जूनियर स्टडी चैनल पे। कुछ करेंट अफेयर के वीडियोज हैं। मैं आपको सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एस सीरीज वाला जो वीडियो चल रहा है, एस सीरीज वाला वीडियो S1 S2 S3 उस सीरीज को आप लोग कंटिन्यू करें, क्योंकि वो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उस वीडियो को खुद कितनी बार कोशिश करता हूँ अच्छा से अच्छा बनाने के लिए, उसको ज्यादा से ज्यादा लोग सुने लो। बेसिक साइंस का अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, इलेक्ट्रिसिटी का मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग प्लेलिस्ट बना रखा है। आप जाएं हर एक जो जिस एरिया को पढ़ना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा ना पढ़े, कम से कम पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करें जी। तो आपको करंट अफेयर में बताऊंगा कि करंट अफेयर में जो एस सीरीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, और उसको कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोल रहा है जी, नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। नाइक्रोम का तार हीटिंग रूप में प्रयुक्त होता है, क्यों होता है जी? क्योंकि ये हीट ज्यादा जनरेट करता होगा, इसका तार खींचे जा सकते हैं, इसके विशिष्ट प्रतिरोध ऊंच होता है। ठीक है, हीटिंग का फॉर्मूला क्या होता है जी? हीट का फॉर्मूला क्या होता है? हीट बराबर होता है I²RT। तो आई तो देखिए आर जब मटेरियल से बना रहा है तो आर ही तो हमारे हाथ में है जी, तो आर को क्या कर सकते हैं? ज्यादा कर देंगे। ज्यादा करेंगे कैसे जी? तो हीट ज्यादा जनरेट होता है, तो इसका क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है जी? उच्च होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी होना चाहिए। 41 का आंसर क्या है जी? 41 का आंसर डी है, यानी उपयुक्त बी और सी। चलिए जी अगला पढ़ते हैं। सी, लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनता जी। अच्छा जी, और ये भी है कि हीटिंग इवेंट ज्यादा रहेगा, लाल तप्त रहेगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्साइड नहीं बनेगा, जिससे क्या हो जाएगा? ये हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों हो जाएगा, तो आंसर मेरा डी हो जाएगा जी। चलिए, लेकिन कभी कभी होता है कि दोनों सभी ऑप्शन पढ़ने पे ही आंसर सही माना जा सकता है। जैसे यही क्वेश्चन था कि सभी ऑप्शन नहीं पड़ेगा तो आपको आंसर देने में क्या हो जाएगा जी? गलती होगा जी, होगा। तो इसको समझिएगा, कभी कभी ये भी होता है कि ऑप्शन पूरा देखना जरूरी पड़ता है जी। बोलिए क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं जी। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है जी? ठीक है, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा यानी V/R क्या होता है जी? विद्युत परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा यानी V/R क्या होता है? आर होता है। तो किसी भी सर्किट का आर क्या हो जाएगा जी? कांस्टेंट रहेगा, तो क्या होता है? समान रहता है, कभी बदलेगा थोड़े ना, टेम्परेचर से बदल सकता है। तो हमको तो ऐसा कोई कंडीशन दिया नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है? समान रहता है जी। मीटर जो विद्युत धारा को मापता है, जो कौन सा जी? तो आमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। वोल्टमीटर किसको मेजर करता है? वोल्टेज को। हाइड्रोमीटर किसको करता है? डेंसिटी को। ये क्या है? ओम मीटर किसको नापता है जी? तो ओम यानी रेजिस्टेंस को नापता है जी। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैं आपको जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का जो एथी है मैंने वीडियो बना रखा है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, ओम मीटर, CRTO और ये सब बना रखे हैं, तो उसमें आप जाकर देख लीजिएगा जी। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइस के नाम से वीडियो होगा, आप उसको जाकर देख लीजिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा बनाने के लिए जी। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको सब मिल जाएगा जी। तो इसका मेरा क्या हो जाएगा जी? मीटर जो वोल्ट को नापता है क्या सा है? जो करंट को नापता है अमीटर है, जो वोल्ट को नापता है वोल्ट मीटर हो जाएगा जी, वोल्ट मीटर। मीटर जो प्रतिरोध को नापता है ओम मीटर हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है जी? ओम होता है। लंबी संरचना लाइनों में वोल्टेज में मापी जाती है, लंबी संरचना लाइनों में वोल्टेज टेस्ट डेस्ट में मापी जाती है। माइक्रो वोल्ट, मिली वोल्ट, किलो वोल्ट, वोल्ट किसमें नापी जाती है? किलो वोल्ट में नापी जाती है जी। किस में नापी जाती है? तो किलो वोल्ट में नापी जाती है। 48, चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध घटता है कि बढ़ता है जी? अभी हम लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं जी? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं? रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? Rho L/A। लेंथ बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना, एरिया बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है जी। 48 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 49, क्वेश्चन नंबर 49 के चालक की लंबाई से प्रतिरोध क्या होता है? चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा जी? देखिए अब एरिया बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा जी? लंबाई, एरिया बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध
पर निर्भर करता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध देखिए, ये क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध रो है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, तो मटेरियल पर डिपेंड करता है कि किस चीज से बना हुआ है, तो वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो बोला चालक की लंबाई पे, चालक की लंबाई पे, चालक के अनुप्रस्थ काट, चालक का प्रतिरोध, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो चालक का प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ठीक है जी, तो रेजिस्टेंस जो है किस पर निर्भर करता है, विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर डी हो जाएगा आपका, 50 का आंसर ए बोल रहा है, चालक की लंबाई, सॉरी चालक की लंबाई नहीं है जी, मैंने लंबाई इसको पढ़ा, चालक की बनावट जो विशिष्ट प्रतिरोध रो है ये किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, तो ये किस चीज से बना है, यानी किस पदार्थ से बना है, ठीक है ना, किस पदार्थ, चालक की बनावट, पदार्थ नहीं जी, बनावट नहीं होना चाहिए, चालक का क्या होना चाहिए, पदार्थ, सही है, ये बनावट नहीं होना चाहिए, चालक यानी किस मटेरियल से बना है, यानी मटेरियल से बना है उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, पदार्थ पे डिपेंड करेगा, बनावट नहीं, बनावट तो अलग हो जाएगा जी, लंबाई एरिया भी बनावट में आता है, इसलिए वो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर आता है 51, क्वेश्चन नंबर 51 में आता है जी, 51 में क्या बोला है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं जी, दो विद्युत आवेशों के बीच, तो कूलम्स लॉ पढ़े हैं जी, कूलम्स के नियम का क्या होता है, बोल रहा है कि Q1 Q2, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा जी, F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R2, तो क्या है इसमें दो चार्ज पार्टिकल उसके बीच क्या लग रहा है जी, फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को क्या आता है, कूलम्स लॉ बोलता है, तो कूलम्स ने ये नियम दिया था जी, तो कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, अकाउंट का आंसर बी हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं, 52 को समझेंगे जी, 52 में क्या जी बोल रहा है, वस्तु के आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, वस्तु का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, तो इलेक्ट्रॉन से होता है, आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो किसके मूवमेंट से होता है, तो 52 का आंसर क्या है जी, ए होना चाहिए, 52 का आंसर ये है। चलिए 53, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक विद्युत से दूसरे विद्युत तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं जी, देखिए ये परिभाषा, ये डेफिनेशन वोल्टेज का है जी, वोल्टेज को पढ़िएगा, बोलता है कि किसी चार्ज पार्टिकल को, किसी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से, ठीक है ना जी, विद्युत क्षेत्र में लाने पे जो वर्क किया गया है उसको क्या बोलते हैं जी, एक वोल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, एक वोल्ट बोलते हैं, एक कूलम चार्ज पार्टिकल को लाने में जो वर्क किया जाता है उसको क्या बोलते हैं जी, तो एक कूलम वर्क में जो जो चार्ज पार्टिकल लाया गया, तो यानी वर्क को अगर क्यू से डिवाइड कर दें, एक कूलम के लिए कर रहे हैं, जैसे एक केजी के लिए कहते हैं ना जी, 10 केजी है, 10 किलो का रेट ये है, तो 1 केजी का क्या होता है, तो उसे रेट बोलते हैं, वैसे ही वर्क जो एक कूलम पे किया गया क्या हो जाएगी, तो वोल्टेज हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 53 का बी हो जाएगा जी। आगे क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं, विद्युत धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, क्योंकि धातु क्या होती है, विद्युत सुचालक होती है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, तो आंसर ये हो जाएगा, 54 का आपका ये हो जाएगा। 55 की तरफ आते हैं, इनमें से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, सबसे अच्छा चालक क्या होता है जी, तो सबसे अच्छा देख लीजिए क्या होता है जी, चांदी होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, एजी होता है, उसके बाद एयू होता है, उसके बाद क्या होता है, कॉपर होता है जी, उसके बाद क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है, याद रखिएगा, टॉप 3 टॉप 4 तो याद रखिएगा, क्या जी, गोल्ड है, सॉरी सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, याद रखिएगा। तो देखिए अगर बात की जाए ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सोना क्यों नहीं यूज करते हैं, सॉरी एजी क्यों नहीं यूज करते हैं जी, चांदी क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि चांदी महंगा पड़ता है इसलिए नहीं करते, गोल्ड और भी महंगा पड़ता है ये भी नहीं करते, इसलिए आ जाता है कहाँ, कॉपर पे आ जाता है, तो उसके बाद कॉपर का भी क्या होता है, इसलिए महंगा पड़ जाता है, कॉपर भी आपको पता है, कॉपर बाइंडिंग आप जाएगा फैन में तो कराने में तो महंगा पड़ेगा, एल्यूमिनियम बाइंडिंग सस्ता पड़ता है, तो कॉपर का उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होता है, इसलिए इसका क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है जी इलेक्ट्रिकल पार्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं, कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे ज्यादा होता है, क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं, अति चालकता का लक्षण क्या है, अति चालकता का लक्षण क्या है जी, पारगम्यता, एक्चुअली पारगम्यता है जो हिंदी में लिखा है इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं जी, ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन, उच्च पारगम्यता, अति चालकता का पारगम्यता मतलब, अच्छा कंडक्टिविटी से है जी, अति चालक कब होगा, जब सुपर कंडक्टिविटी होगा, सही कंडक्टिविटी से रिलेशन होगा, हाई कंडक्टिविटी है जी, अति चालकता कब होती है, जब हाई कंडक्टिविटी होती है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा, पारगम्यता मुझे नहीं पता एक्चुअली, इसलिए मैंने आपको नहीं बता सकता, आप लोग इसको देख लीजिएगा जी, और अगर किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि पारगम्यता का इंग्लिश क्या होता है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में आते हैं, इनमें से कौन सा अर्धचालक नहीं है जी, देखिए सेमीकंडक्टर के बाद बात बताया जाए तो मैंने आपको पढ़ाया था जी, क्या पढ़ाया था उसमें, कहे शिव जी सुने पार्वती, कहे शिव जी सुने पार्वती, तो इसमें कौन है जी, सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन जर्मेनियम, सेलेनियम, आर्सेनिक, तो आर्सेनिक क्या हो जाएगा जी, हमारे सीरीज में क्या आर्सेनिक नहीं है, तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा,
57 का आंसर डी हो जाएगा, निम्न कौन सा अर्धचालक नहीं है। तीसरी कीजिए, कहे शिव जी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, लेड। ठीक है जी, तो सेलेनियम है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक नहीं है। 57 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 को देख रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसे पदार्थ जिनमें समान अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उच्च ताप और शुद्धियां मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जाते हैं। देखिए सेमीकंडक्टर होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें क्या किया जाता है, कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती है, और अशुद्धियां मिलाने से क्या होता है, उसमें होल यानी होल और या इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है, कंडक्टिविटी चलता है। तो क्या है जी, अर्धचालक पदार्थ होते हैं, जिसमें क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन मूव करने लगता है। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा जी, 58 का आंसर डी हो जाएगा। 59 में आइए, ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाने से क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है जी, बढ़ता है। किसमें, मटेरियल में, सॉरी कंडक्टर में क्या होता है जी, बढ़ता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, आप देख लीजिए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है जी। ये किसके लिए होता है, कंडक्टर के लिए होता है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है जी, रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है जी, उल्टा हो जाता है, यानी अर्धचालक में क्या हो जाता है, यही रिलेशन उल्टा हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा जी, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये सेमीकंडक्टर है, ये सेमी कंडक्टर है जी, ये कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर और चालक बोलते हैं, इसको चालक बोलते हैं जी। चालक में क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है जी। तो चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों में विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता में क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जी, विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। आंसर क्या हो जाएगा, 59 का, 59 का आंसर ये हो जाएगा। चलिए 60 में, ये तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है जी, क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, यह सस्ता होता है, यह बहुत ही टिकाऊ होता है, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। तो इसकी विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है, निम्न होती है, यह विद्युत बहुत टिकाऊ होता है, सस्ता होता है, गलनांक अधिक होता है। गलनांक से तो कोई मतलब नहीं है जी, क्यों, आंसर क्या होना चाहिए, 60 का आंसर होना चाहिए डी जी, क्योंकि इसकी क्या होती है, प्रतिरोधकता निम्न होती है। अभी तो हमने सीरीज याद किया जी, किसका, अभी तो सीरीज याद किया था हमने, सिल्वर सिल्वर ए जी यू सी यू और एल्यूमिनियम क्या है जी, ये सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, क्या है ऐसा कंडक्टिविटी होता है। तो इसका कॉपर का क्या है जी, कंडक्टिविटी हाई है, कंडक्टिविटी क्या है, तो विद्युत प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी ना, तो 60 आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्न से कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है जी, एम्पियर होता है, ये तो आसानी है। क्वेश्चन नंबर 62, प्रतिवर्ती धारा को जिस धारा में परिवर्तित कौन कर सकता है। देखिए परिवर्तित धारा को जिस धारा करने के लिए रेक्टिफायर होता है जी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 62 का आंसर सी हो जाएगा, रेक्टिफायर है जी। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं जी, रेक्टिफायर जो होता है सेमीकंडक्टर में, मैंने ये पढ़ाया था जी, सेमीकंडक्टर वाले तो इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे जी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 की तरफ। 63 में बोल रहा है जी, 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है जी। क्या है जी, कुछ न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे लोग, और थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन इसको हम लोग कंटिन्यू करना ही पड़ेगा जी। तो चलिए बोला 100 वोल्ट दिया है जी, किसी चालक में 6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो खर्च की गई शक्ति, तो पावर बराबर क्या होता है जी, वी आई, 100 वोल्ट है, आई क्या है, 6 एम्पीयर है, तो क्या हो जाएगा, 600 वाट हो जाएगा जी, 600 वाट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 63 का ए आंसर हो जाएगा जी। 64 में आते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है इतने ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ में इतने वोल्ट लगाए जाते हैं, तो प्रतिरोध द्वारा खर्च की गई पावर, तो पावर क्या हो जाएगा, वी आई, वी क्या जी, 150 × 1.5 वी इन, नहीं सॉरी ये तो ओम है आपको, पावर बराबर क्या होता है, वी आई होता है, या आई स्क्वायर आर होता है, या वी स्क्वायर आर होता है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा जी, आप यहां से निकल जाइएगा। तो हमको पावर निकालना है, तो भी दिया आर दिया, तो इस वाले फॉर्मूले का लगाते हैं, तो भी क्या है जी, 150 × 150 / आर क्या है जी, 1.5 100 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 15,000 क्या हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा, तो 15,000 क्या है, सी आंसर है। 64 का आंसर क्या हो जाएगा जी, तो सी हो जाएगा। 65 में आते हैं, बोल रहा है 1500 वाट के हीटर के द्वारा 4 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा, देखिए 1500 वाट है जी हीटर, 4 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा, तो ऊर्जा निकालना है जी, तो ऊर्जा क्या होता है, पहले तो पावर निकाल लेते हैं जी, पावर, चलिए ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा जी, एनर्जी बराबर हो जाएगा पावर इनटू टाइम। पावर को निकालने के लिए क्या करते हैं जी,
पावर दिया हुआ, टाइम दिया है, तो पावर क्या है जी 1500 वाट। ऐसा ही यूनिट में सब पूछ रहेंगे। टाइम क्या होता है, सेकंड में होता है जी, तो सेकंड में हम लेंगे ना। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन में है हमारे पास यूनिट में दिया है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, ऐसा नहीं निकालेंगे, ऐसा यूनिट में नहीं निकालेंगे, किसमें निकालेंगे, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट में निकालेंगे। तो देखिए जो एनर्जी होता है क्या होता है, किलो वाट आवर, यानी जो हमारा आएगा एनर्जी, पावर किस में रहेगा जी, किलो वाट में रहेगा, और समय किस में रहेगा, आवर में रहेगा। तो अगर बात की जाए तो पावर हमारे पास कितना है जी, 1500 वाट है, हमको इसको किलो वाट में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा जी, किलो वाट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 किलो वाट लिखेंगे ना, तो किलो वाट लिखना है जी, तो क्या हो जाएगा, किलो वाट लिखना है तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, यानी 1.5 3/2 है ना जी, ये समझिए 1.5 है जी। किलो वाट आवर कितना है जी, तो 4 है, तो 4 क्या हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा जी। इस बात को समझिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा जी। जब भी एनर्जी निकालना रहे, किसमें जी, यूनिट में निकालना रहे, यूनिट बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी इसको यूनिट भी बोलते हैं या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोलते हैं, तो क्या कीजिएगा, जो एनर्जी निकालना रहेगा किसमें निकालिएगा, किलो वाट आवर, यानी टाइम किसमें लिखेगा जी, आवर में। वाट की जो पावर किसमें निकालेगा, तो किलो वाट में निकालेगा, वाट में नहीं जी, क्या कीजिएगा, अगर वाट में है जैसे यहाँ मान ली 1500 वाट है, तो इसको किलो वाट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 किलो वाट नहीं हो जाएगा, 1500 नहीं हो जाएगा जी, तो 1500 K का मतलब क्या होता है, K का मतलब होता है 10^3 होता है जी, मेगा का मतलब क्या होता है, 10^6 होता है। मैं आप सबको बता देना चाहूंगा कि मैं एक डिजिटल इलेक्ट्रो डिजिटल सर डिजिटल डिजिटल कंप्यूटर नाम से बनाया है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से एक मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड है जी, लॉजिक गेट से नाम से बनाया है। तो उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, नंबर सिस्टम जो है टॉपिक से है, उसको वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड चीज है, और कंप्यूटर आपके आईटी लिटरेचर आपके सिलेबस में है, तो प्लीज आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। कौन सा जी, तो डिजिटल नंबर सिस्टम है, डिजिटल नंबर सिस्टम से है, डिजिटल नंबर सिस्टम है जिसमें क्या किया गया है, बाइनरी को डेसिमल, ऑक्टल को डेसिमल, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने उसने प्लेलिस्ट में बना दिया है, ये शायद आपको इलेक्ट्रिकल वाले प्लेलिस्ट में होगा, तो आप जाके सर्च कर लीजिएगा, या आप वैसे ही भी डिजिटल नंबर जीनियर स्टडी मारिएगा सर्च, तो आपको आ जाएगा जी वीडियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर आते हैं, तो हमारा आंसर 6 यूनिट हो जाएगा, 65 का बी आंसर। 66 में आता है जी, 66 में क्या है, बोल रहा है 1000 वाट की विद्युत स्थिति पर खपत की गई ऊर्जा 500 वाट की विद्युत स्थिति के द्वारा खपत की गई ऊर्जा से होगी, विद्युत स्थिति से खपत की गई ऊर्जा से। अच्छा जी, तो देखिए इसका वाट ज्यादा है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा जी, इसका एनर्जी विद्युत स्थिति द्वारा खपत की गई ऊर्जा 500 स्थिति की खपत की गई ऊर्जा से क्या होगी, अधिक होगी, तो 66 का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, 66 का ई हो जाएगा जी। ठीक है ना, ज्यादा वाट कराएगा तो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, इसीलिए तो देखिए हम लोगों ने क्या किया जी, जो हमारा CFL था और LED था, तो CFL क्या था, इससे पहले क्या था जी, चलिए पहले बल्ब था हमारे पास, इलेक्ट्रिक बल्ब था, कितना वाट का था, 100 वाट का था, उसके बाद CFL आया, कितना आया, 20 वाट 50 वाट का आया, तो ये रहा, उसके बाद क्या हुआ जी, LED आ गया, LED क्या है जी, आपको 9 वाट तक भी होते हैं, तो क्या ये मेरा हेल्पफुल है उस, तो इसमें क्या हो जाएगा, जिसका पास वाट ज्यादा रहेगा क्या हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा, इसीलिए इसी एनर्जी को बचाने के लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना सारा योजना चला रहे हैं, कौन सा जी, जो सोलर वाला सिस्टम है सब चला रहे हैं, तो क्या है, इसी एनर्जी को ही तो बचाने के लिए। अब देखिए LED का जो परियोजना चला उससे क्या हुआ, हमारे जितना ही देखिए, अब यहां पर देखिएगा आप, ये क्या है जी, 11 गुना है, 9 11 9 99, यानी 99 अगर वाट देखिए एनर्जी कंज्यूम करेगा, उससे कम ही करेगा, तो भी क्या होगा, 11 बल्ब जलाएगा, कितने बल्ब जलाएगा जी, 11 बल्ब जलाएगा। सोचिए अब 11 बल्ब जलाने पे सेम एनर्जी लग रहा है, और पहले एक बल्ब जलाने पे सेम एनर्जी लग रहा था, तो कितना नुकसान हो रहा है, 11 LED जला सकते हैं जी। तो इसीलिए उसी एनर्जी को देखिए हमने क्या किया, मैग्नीफाई कर दिया, इसलिए गवर्नमेंट ने इतना बड़ा आपको कौन चलाया जी, उज्ज्वला योजना की उज्ज्वला योजना, उजाला योजना चलाया जी। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, और आप लोग कोशिश कीजिए करंट अफेयर के जो प्लेलिस्ट हैं उसमें आपको मिलिट्री एक्सरसाइज बनाए रखे हैं जी, IPL के टीम के ओनर का नाम बनाए रखेगा, उस करंट अफेयर प्लेलिस्ट को भी जाकर ज्यादा से ज्यादा आप लोग बेनिफिट उठाए। जो S सीरीज चल रहा है करंट अफेयर का, मैं आप सबसे रिकमेंड करूंगा, S सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहूंगा कि उसको आप लोग कोई भी वीडियो छोड़ दीजिए, लेकिन करंट अफेयर का S सीरीज वाला जो वीडियो है आप उसको जरूर ही देखिए। मैं बोलूंगा इस वीडियो को छोड़ दीजिए, लेकिन आप S सीरीज वाला जो करंट अफेयर का वीडियो है उसको जरूर देखें, उसमें क्या है कि बहुत ही अच्छे मटेरियल दिए गए हैं, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं आपको लगेगा कि हाँ क्या उसमें क्वालिटी दिया गया है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 66 में, 66 हो गया, 67 आते हैं, 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध होगा जी,
200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज के लैंपों में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध होगा। ठीक है जी, अब इसमें प्रतिरोध की बात की जा रही है तो देखिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है जी, पावर बराबर होता है वी स्क्वायर आर। हमको रेजिस्टेंस के बारे में बताना है कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा जी, तो आर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी, यानी जिसका पावर ज्यादा होगा, जिसका पावर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा जी, वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही बोला है तो 200 वाट की लैंप का प्रतिरोध क्या होगा जी, अधिक होगा कम होगा, कम होगा जी, कम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 67 का आंसर क्या हो जाएगा जी, ए। 67 का आंसर ए दिया है। 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध होगा। देखिए समान वोल्टेज लिखा है जी, देखिए पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। समान वोल्टेज तो सेम है, वोल्टेज सेम है, अब जिसका पावर अगर ज्यादा होगा, जिसका पावर ज्यादा होगा वो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा जी। तो देखिए 200 वाट है, पावर कम है तो इसका क्या हो जाएगा, पावर कम है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। पावर कम है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। 67 का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्वेश्चन को समझिए जी, वोल्टेज फिक्स है, पावर जिसका ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर पावर कम रहेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। पावर अगर कम रहेगा तो क्या रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि उल्टा है जी। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन से समझिएगा। देखिए हम क्या है, सारे क्वेश्चन का लॉजिक कहाँ से बिल्डअप करें, फॉर्मूले से बिल्डअप करें, और फॉर्मूला याद करना तो बहुत आसान है, 10 फॉर्मूले याद रखिए सारा आंसर उसी से आ रहा है। तो देखिए पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए जी, रैशनल और लॉजिकल स्टडी का मतलब यही होता है। तो चलिए आज मैं लगातार 1 घंटे से बोले जा रहा हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं। 68 में क्वेश्चन नंबर क्या क्या बोल रहा है जी, 200 वाट के 5 बल्ब के द्वारा 50 पैसे प्रति किलोवाट की दर से 4 घंटे में खपत की गई ऊर्जा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जी, इलेक्ट्रिकल वाले आपको पहले तो यही में आता था पेपर, तो वहां से क्वेश्चन पूछे गए, तो अब तो क्वेश्चन पूछेगा ही, पक्का ही पूछेगा जी। तो देखिए इसको देखिए, बोला कि 200 वाट के कितने हैं जी, 5 लैंप है, 200 वाट के कितने हैं जी, 5 लैंप है, इतने वाट की दर से 4 घंटे में, आज कितना है 4 घंटा जल रहा है, खपत की गई मूल। देखिए जी चलिए तो हम लोग क्या निकालते हैं, पहले एनर्जी निकालते हैं जी। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि 50 पैसे 1 किलोवाट आवर की दर से 4 घंटे में खपत। देखिए जी एक यूनिट का बोल रहा है कि एक यूनिट का खर्च कितना है जी, तो 50 पैसे यानी हाफ रुपया है जी, कितना है जी, हाफ रुपया। देखिए जी अब कन्वर्जन कितने सारे यूनिट है, देखिए हमने क्या बोला था कि एक यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं जी, यूनिट में अगर आंसर निकालना तो क्या करते हैं, किलोवाट आवर से मल्टीप्लाई करते हैं जी। पावर किस में रहेगा, किलोवाट में रहेगा, समय किस में रहेगा, आवर में रहेगा जी। तो 200 वाट है जी, 200 वाट को क्या करते हैं, पहले 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोवाट में हो जाएगा जी, तो किलोवाट यानी इतने वाट का एक बल्ब है, कितने बल्ब लगाए हैं जी, तो 5 बल्ब लगाए हैं, तो इतना टोटल पावर हो जाएगा, इतना टोटल पावर हो जाएगा। समय कितना है जी, तो 4 घंटे, कितने हैं 4 घंटे, तो घंटा तो हम समय 4 घंटा ही रखना है, आवर में ही रखना है, तो 4 घंटे हो गए जी। चलिए इतना हमारे पास क्या आया जाए, यूनिट आया, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट आया, कितना आया, इतना आया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1000 ये क्या हो जाएगा, 4 यूनिट, क्या हो जाएगा, 4 यूनिट आया जी, 4 यूनिट आया। अब देखिए बोल रहा है कि एक यूनिट का कितना रुपया है जी, आधा रुपया है, हाफ मैंने 50 पैसा का मतलब हाफ रुपया है, तो 4 यूनिट का क्या हो जाएगा जी, 4 × ½ यानी क्या हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2 रुपया, आंसर हमारा डी हो जाएगा। 68 का आंसर क्या हो जाएगा जी, हमारा डी हो जाएगा, तो आंसर मेरा डी होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 बार इसको जाएं, आप लोग पीछे इसको फिर से रिकॉर्ड करें और फिर से देखें जी, पावर एक बार समझिएगा जी, और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट बहुत ही आसान है, इसको हम लोग बनाते यहीं आ रहे हैं, आपने समझ गए होंगे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ आते हैं। एक उपभोक्ता दैनिक 4 घंटे के लिए इतने वाट के 5 लैंपों को, 2 घंटे के लिए इतने वाट के 1 टेलीविजन को, और 1 घंटे के लिए इतने वाट के 1 विद्युत स्त्री का उपयोग करता है, तो 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितने लोड पे करेगा। देखिए जी इस क्वेश्चन में आप समझिएगा अलग अलग चीजें हैं जी, तो क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग एनर्जी निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सारे यूनिट क्या करेंगे जी, जोड़ देंगे। तो समझिएगा क्या बोल रहा है, 4 घंटे के लिए यानी 4 आवर के लिए क्या है जी, 100 वाट के 5 बल्ब है, कितने हैं जी, 5 बल्ब है, समझिएगा 100 वाट के 5 बल्ब है, ठीक है। 2 घंटे के लिए 125 वाट के कितने हैं जी, 1 टेलीविजन है, ठीक है। 1 घंटे के लिए 500 वाट के 1 विद्युत स्त्री का उपयोग किया गया है, ठीक है जी।
ये पहले एनर्जी निकालते हैं तो एनर्जी क्या हो जाएगा, किलो वाट आवर में हमको किलो वाट आवर में लिखना है जी। चलिए तो यहाँ पे देखिए 100 वाट था जी, कितना था 100 वाट के कितने हैं 5 बल्ब है, 100 वाट के 5 है जी, तो क्या लिखेंगे 100 गुना 5 ये क्या आ जाएगा वाट में है, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलो वाट हो जाए, किलो वाट हो जाएगा जी। और इसको समय क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, ये इसके लिए लगा प्लस टेलीविजन के लिए जो लगा इस टेलीविजन वाला इसमें निकालते हैं क्या हो जाएगा 125/1000 ये किलो वाट हो जाएगा जी। और समय कितना है तो 2 है, प्लस 1 घंटा के लिए क्या है 500 वाट का, 500 वाट की इस्त्री है 1 घंटा के लिए, बट्टा वाट क्या है जी इसको किलो वाट में करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे 1 घंटा हो गया, इतना मेरा क्या आ जाएगा ट्रेड यूनिट आएगा, क्या आ जाएगा जी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट आएगा। चलिए जी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 500/2 तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 25 दूना 250 1/4 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो हमारे पास बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कितना हो जाएगा जी 2.5 पौने 3 यानी 2/3/4 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट आ गया, कितना आ जाएगा 2.2/3 4 दूना 8 11/4 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट आ गया जी। हमारे पास इतना यूनिट आया, समझिएगा इतना यूनिट आया। अब एक यूनिट का खर्च क्या बोला जी 40 पैसा बोला है, 40 पैसा बोला है तो 11/4 गुने 40 पैसा को रुपया में बदल देते हैं तो क्या हो जाएगा 4/10 हो जाएगा ना जी, तो क्या हो जाएगा इतना ये रुपया हो जाएगा, तो 1.1 रुपया हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को जाइएगा रिमाइंड करके देखिएगा जी, क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाएगा। तो 1.1 क्या है जी डी आंसर है, क्वेश्चन में देख लीजिए डी आंसर है जी, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैं मानता हूं कि इस क्वेश्चन को अगर आपको समझ गए होंगे तो आपको जरूर ही समझ में आ गया होगा जी, मैं सब बता रहा हूं। फिर से इस वीडियो को रिमाइंड कीजिएगा, इससे पहले जो भी क्वेश्चन बनाया है उसको भी रिमाइंड कीजिएगा और बनाइएगा जी। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन बोला है, एक जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित श्रेणी, जब एक उच्च प्रतिरोध निम्न श्रेणी में जोड़ता है, देखिए जी श्रेणी में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी दोनों ऐड हो जाएगा तो निम्न प्रतिरोध से अधिक होगा, दोनों से ही अधिक होगा। देखिए जब सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोनों से अधिक हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध से कम होगा, उच्च या निम्न प्रतिरोध के बीच की मात्रा होगा नहीं, निम्न प्रतिरोध से कम होगा जी, निम्न प्रतिरोध से तो अधिक होगा, दोनों से ही अधिक होगा तो निम्न से भी अधिक हो जाएगा, 70 का क्या हो जाएगा आंसर आपको ए हो जाएगा जी। चलिए 69 का डी हो गया था। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर लाइफ। और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं जी 2000 का। थैंक यू सो मच।